सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जो पीजी सीयूईटी पीजी के थ्रू एमबीए एमए हिंदी में दो मेरा दोस्त है, थोड़ा आपके बारे में बताना, कहाँ से हो, कहाँ से आपका ग्रेजुएशन हुआ है, आप भी बताना। तो आपका पहले कहाँ पर ग्रेजुएशन हुआ था? जी, मेरा नाम अनिल है और मेरा ग्रेजुएशन एमएलके पीजी कॉलेज बलरामपुर से हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और मैं रहने वाला सिद्धार्थनगर का हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामजीवन है, मैं एमपी के गुना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा अंडर ग्रेजुएशन जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से हुआ और मैं यहाँ पे सीयूटी के थ्रू हिंदी एमए कर रहा हूँ। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जब हमारा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा था तो उसमें मैं नेट दिया तो नेट हो गया, और अभी जस्ट 2 मंथ बाद में फिर से नेट का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें मेरा जेआरएफ भी क्लियर हो गया। तो अगर आपको यहाँ यूनिवर्सिटी पढ़ना है तो आपको सीयूटी का एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करो और यहाँ पे आओ और अपने सपनों को पाओ। हाँ ब्रदर, मेरे को बताना जो आपका जो सीयूईटी का तुम्हारा कितना स्कोर था और तुम्हारा कितना स्कोर था। एंड मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, जो यूपी बिहार कोई भी स्टेट का पूछ रहा है, जो कितना कटअप जाता है। एंड हाँ, सीयूईटी का तुम्हारा कितना कटअप था एंड कैसे प्रिपरेशन किया था। जी, मेरा सीयूटी में 209 नंबर था और मेरा एससी कैटेगरी से, कैटेगरी वाइज से हुआ था। तुम्हारा ब्रदर? जी, मेरा स्कोर सीयूटी में 292 292 था। और मैंने प्रेपरेशन जो है, दृष्टि एक बुक आता है एनटीए करके, तो उससे प्रेपरेशन किया। और एक आता है वस्तुनिष्ठ हिंदी करके, तो वो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे के नाम से चलता है। बहुत ही छोटा बुक है लेकिन बहुत ही अच्छा बुक है सीयूटी के लिए, तो आप उसको प्रेपर कीजिएगा। और दृष्टि आईएएस की एक एनटीए दृष्टि हिंदी करके आता है, तो उसको नेट नेट जेआरएफ के लिए होता है। लेकिन आपको अगर अभी ही सीयूटी के लिए पढ़ लेंगे ना तो आपको सीयूटी में भी बेनिफिट होगा और आपको जेआरएफ में भी बेनिफिट होगा। एंड ब्रदर, मेरे को बताइए, जो आप सीयूटी अप्लाई किया था 2022 ना? हाँ, तो उस टाइम फर्स्ट टाइम सीयूटी लेके यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में तुमको इतना आइडिया कैसा है? हाँ, एक्चुअली हम लोग प्रिपरेशन तो कर रहे थे जेएनयू के लिए, जेएनयू में नहीं हुआ तो हमने देखा कि इंडिया का सेकंड सबसे अच्छा एनवायरनमेंटली और एजुकेशनली कौन सा ये यूनिवर्सिटी अच्छा है, तो उसके लिए हम सर्च किए। तो हमने 3-4 यूनिवर्सिटी को देखा कि जैसे बीएचयू हुआ, जेएनयू हुआ, इधर ये एचयू हुआ, तो एचयू का कैंपस और यहाँ का जो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। और जब यहाँ के एक दो दोस्तों से बात हुई, जैसे कृष्णा हमारे सेकेंड ईयर में था, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई अगर आपका जेएनयू नहीं हो रहा तो आपको एचयू आना है, कुछ भी नहीं सोचना है यहाँ के बारे में, यहाँ आओ और एक बार घूमो और कैंपस देखो, अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो चले जाना। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए तो देखा कि यहाँ का एनवायरनमेंट, एजुकेशनल एनवायरनमेंट, लाइब्रेरी, स्टडी रूम बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। तो ब्रदर, मेरे को बताइए, तुम्हारा जो हिंदी का डिपार्टमेंट में टोटल कितना सीट रहता है, जो पीजी का कितना सीट रहता है, बताइए। हमारे यहाँ हिंदी में 45 सीटें रहती हैं, उसमें कैटेगरी वाइज कुछ रहती हैं, जनरल की रहती हैं, फिर ओबीसी की रहती हैं, फिर एससी एसटी की रहती हैं। लेकिन जो पढ़ाई का हम किस तरह से पढ़ें, या फिर वो तो सत्र बीत गया, लेकिन जो आगे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो आप बढ़िया से कह रहे हैं, जो निन्न भाई ने बताया कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे को पढ़ो, उसको बढ़िया से पढ़ो। और लेकिन जो स्टूडेंट यूजीसी नेट का परीक्षा देना चाहते हैं, वो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे को भी अच्छे से पढ़ें, दृष्टि भी पढ़ें, और साथ में जो नाटक, निबंध, कहानी और उपन्यास है, मैं इसका कहूँगा कि आप लोग बढ़िया से बढ़िया करके आप मूल टेक्स्ट पढ़ें, क्योंकि जिस समय जो क्वेश्चन का पैटर्न है और सब चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बदल रही हैं। पहले क्या था कि एक सिक्वेंस में आते थे, कि जो कुछ कुछ समय से जो चल रही है क्वेश्चन उसी को रिपीट कर देता था, लेकिन आजकल काफ़ी अंदर से पूछ रहा है क्वेश्चन।
और आपको भरोसा नहीं होगा कि किस प्रकार से किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे प्रेमचंद की जो कहानी है उसमें ईदगाह, उसमें पूछ लेता है कि हामिद कितने रुपए लेके गया, या हामिद जो था और सब लोग थे वो लोग क्या क्या खरीदे, क्या क्या नहीं उन्होंने किया, इस तरह की जो देखा जाए तो इस तरह से बहुत माइन्यूट चीज़ें पूछ रहा है, डीप में पूछ रहा है। उसको उसके लिए आपको ज़रूरी है कि नाटक, निबंध और कहानी, ये सब चीज़ें आपको पढ़ी होनी चाहिए। और साथ में जो जैसे यूनिट एक से लेके यूनिट पाँच तक आपको ये चाहिए कि दृष्टि से या फिर सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे से पढ़ें। और फर्स्ट पेपर के लिए UGC नेट के लिए उसको मूलतः आप जो चाहे KVS मदान की लैंग्वेज टफ है लेकिन आप उसको भी पढ़ें, लेकिन जो कम समय में पढ़ना चाहें तो आप दृष्टि का पढ़ें। दृष्टि में क्या है, उसका लैंग्वेज जो है, भाषा है, वो काफ़ी आसान है, आपके बिहेवियर व्यवहार के अनुकूल है, जो आप बोलते हैं और देखते हैं उससे जो उसका भाषा है वो काफ़ी अच्छे से मिल रहा है। मैं भी बता दूं कि मेरा 2 बार नेट हो चुका है और मात्र 3 नंबर से JRF रह गया है। ओके ब्रदर, मेरे को बताओ जो एडमिशन चार्ज कितना लिया था हमारा यूनिवर्सिटी? जी जैसे यहाँ पे एडमिशन चार्ज लगभग जो अदर स्टेट से बच्चे आते हैं उनका सेम होता है, जैसे 4500 के समथिंग एडमिशन फीस था एजुकेशनली, और 2000 रुपये हॉस्टल चार्ज था, और 2000 रुपये आपका हेल्थ इंश्योरेंस था। तो इस तरह ग्राउंड वगैरह, अदर लाइब्रेरी चार्ज वगैरह ये सब करके लगभग 9800 के समथिंग हो गया था, लगभग 10000 के समथिंग था। तो अभी और इस सत्र में लगभग 500 रुपये इंक्रीज हुआ है जो अपना फीस है बाकी। और यहाँ पे मेरा एडमिशन जनरल कैटेगरी से हुआ था, जबकि मेरा कैटेगरी जो है ST है, लेकिन जनरल कोटा से एडमिशन हुआ था। तो आप डरिए नहीं, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और लगातार जो प्रीवियस पेपर है उन पे दृष्टि बनाए रखें। उससे क्या होगा कि आपको एनालाइज करना और शॉर्ट नोट बनाना आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। तो यही मेरा मैसेज रहेगा आपके लिए कि आप अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर पिछले ईयर के क्वेश्चंस को देखिए और अपना तैयारी लगातार करिए। ओके ब्रदर, जनरल जो कटअप लास्ट ईयर कितना तक गया था? 292 आपका था, 90 कितना लगभग जनरल कट ऑफ यहाँ का पिछले ईयर जो था लगभग 285 के समथिंग था, 292 माई 312 आलोक वर्मा का था। ओके ओके, क्या मतलब CUT बोला भाई नेट में? ओके ओके, मतलब हाँ 280 हो जाएगा तो हो जाएगा, इस ईयर तो 250 में हो जाएगा। हाँ 250 में हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। एक चीज़ और है, जो जैसे SC ST के स्टूडेंट है उन लोग का हॉस्टल फीस कुछ भी नहीं लगता, यहाँ पे उन लोग का 0 होता है। okay. वरना और जो जनरल से हैं या OBC हैं उनका हॉस्टल का एक सेमेस्टर का 500 रुपये लगता है। ओके okay, ओके okay. मतलब बता दिया अभी हॉस्टल चार्ज, एंड मंथली कितना आता है जो एक्सपेंसेस थोड़ा बता दीजिए? हाँ मंथली एक्सपेंस लगभग जैसे आप वेज हो तो 2400 के समथिंग एक एवरेज रहता है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जैसे आपका सामग्री में इंक्रीज होता है, वेजिटेबल के जो रेट है वो हाई हो जाती है, तो उस वजह से 3000 के समथिंग जाता है। तो 3000 से 2500 के एवरेज रहता है इसी बीच में। बाकी जो नॉनवेज होते हैं, बच्चे जो नॉनवेज खाते हैं तो उनका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, तो उनका जाता है कब से 3700-3800 रुपये के समथिंग मंथली। ओके एंड ब्रदर, मेरे को बताइए वो जो क्लास रहता है क्या 100% क्लास रहता है? क्लास 100% रहता है कि नहीं रहता है? और प्रोफेसर किसे मतलब इसका जो एग्जाम देने के लिए देता है कि नहीं देता है? ये आप काफ़ी क्वेश्चन बहुत सही किए। जो हम लोग का अभी तक का वो था कि लगभग 75% क्लास होना अनिवार्य है और आपको क्लास में उपस्थित होना भी अनिवार्य है। और जो यहाँ पे प्रोफेसरों की बात की जाए तो प्रोफेसर काफ़ी फ्रेंडली हैं। okay. या ख़ास करके किसी भी डिपार्टमेंट का आप देख लीजिए तो ऐसा लगता है कि वो प्रोफेसर ना हो के एक हमारे मित्र हैं। जिस तरह से वो हमें गाइड करते हैं हर एक मुद्दे पे, किस तरह से हमको सोचने की, तर्क करने की क्षमता उपलब्ध कराते हैं किसी भी चीज़ को, यदि आप प्रोफेसर से असहमत हो तो वो भी ये चीज़ें मानते हैं कि हाँ बच्चा मेरे असहमत है, यानी कि मुझ में कुछ है, वो अपना सुधार भी करते हैं और हमें इस तरह से बनाते हैं कि ताकि हम दुनिया को और समाज को एक खुले नज़रिए से सोच सके, अपनी आलोचना भी हम सुन सके।
मतलब कंपलसरी रहता है क्लास 75%? हाँ 75% पहले था, लेकिन अब कुछ जैसे स्टूडेंट यूनियन ने लगभग 60% उपस्थिति अनिवार्य कर दिया है। ओके, लाइक सपोज मेरा जो वीडियो बनाने के लिए मोटिव वो है जो मतलब पूरा विलेज में रह रहा है, मतलब इतना अच्छा यूनिवर्सिटी में रह सकता है, घूम सकता है, मतलब हमारा यूनिवर्सिटी का थोड़ा आज़ादी कैसे बता दीजिए, मतलब लाइक आपको कोई मतलब ऐसे रैगिंग फैगिंग जैसे होता है दूसरा यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर कैसे होता है, ऐसे कुछ है क्या? एक बात बता दूँ मैं आपको कि जैसा हमारे गाँव में या रूरल एरिया में जो एक सिंपल मैसेज डाल दिया गया कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में रैगिंग बहुत होता है, लेकिन यहाँ इस कैंपस में आपको रैगिंग फ्री, जीरो रैगिंग का एनवायरनमेंट मिलेगा आपको, और आप फ्रीली, मैं तो इंडिया के किसी भी प्लेस में गया हूँ लेकिन वहाँ पे 2 बजे के बाद 12 बजे के बाद घूमना अलाउड नहीं होता, लेकिन इस कैंपस में आप रात की 4 बजे 5 बजे आप मतलब पूरा रात घूम सकते हैं, आप मन चाहे जहाँ जा सकते हैं, लेकिन यही है कि आप अपनी सेफ्टी के साथ जाइए, और यहाँ इतना फ्रीडम है कि आपको जितना फ्रीडम आपको इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसे इंडिया का टॉप जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली हुआ या जेएनयू हुआ, वहाँ पे भी इतना फ्रीडम नहीं है क्योंकि वहाँ पे लड़ाई झगड़ों का काफ़ी वो न्यूज़ आती रहती थी, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ मुझे लगभग 1 साल हो गया यहाँ पर, लेकिन अभी तक एक भी इतना बड़ा झगड़ा या बिना बात छोटी छोटी बातों पे जो झगड़ जाते लोग यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही हम्बली लोग हैं यहाँ पे, और लाइक यहाँ के जो साउथ वाले लोग हैं उस एनवायरनमेंट में हम लोग ढल गए हैं, तो साउथ के लोग काफ़ी नॉर्मली रहते हैं और इतना चिढ़ते नहीं हैं जैसे अपना नॉर्थ वाले हैं, तो काफ़ी फ्रीडम और लड़ाई झगड़ों से दूर ये कैंपस है, तो आप आइए और यहाँ पर आराम से अपने आप को तैयार कीजिए। ओके, तो अभी तक ख़त्म हो गया सब कुछ, हम बता दिया सब कुछ, एंड पढ़ाई तो आप बता दिया कैसे टीचर हमको कैसे पूरा फ्रेंडली पढ़ाते हैं, और लास्ट क्वेश्चन वो है जो स्टूडेंट आ रहे हैं 2023-24 के लिए, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को पूछ रहे हैं कट ऑफ किया जाएगा। देखिए कट ऑफ तो बोल नहीं सकते है ना, कट ऑफ किया जाएगा, लाइक आपका फी यहाँ पर 40 सीट है ना टोटल, 40 से 45, बट रैंक चल जाता है 200 तक चल जाता है ना, मतलब जहाँ का भी जो लुक नहीं आया तो छोड़ दिया तो यहाँ पर हो जाएगा, एंड अब लाइक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नेट स्टूडेंट का हो जाते हैं जे पूरा ही हमारे क्लास में लगभग नेट 10 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोगों का हो गया, और जेआरएफ इसी सेकंड सेमेस्टर में ही लगभग 10 लोगों का हो गया है, और उम्मीद है कि अगले नेट जेआरएफ वाले में लगभग 20 से अधिक संख्या हो जाएगी जेआरएफ वालों की एक ही क्लास में, 45 की संख्या, और आप सोच सकते हैं कि 50% लोगों का जेआरएफ हो जा रहा है, तो ये यूनिवर्सिटी कितना हमें वातानुकूलित वातावरण देती है। थैंक यू ब्रदर, मतलब इतना बोलने के लिए थैंक यू सो मच, और कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चन करिए। और एक चीज़, हाँ, जो विद्यार्थी आ रहे हैं जिनको रहने के लिए या फिर कुछ कोई दिक्कत हो, और आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कैंपस में आइए एक दिन के लिए, तो हम लोग ये सुविधा दे सकते हैं कि आप आओ और एडमिशन करवा लो, और एडमिशन के समय जिसे आपका एडमिशन हुआ तुरंत ही रात में चाहे 10 बजे तक एडमिशन चले तुरंत आपको हॉस्टल मिल जाता है। और सबसे अच्छा बात वो है मतलब हॉस्टल में, यहाँ का सबसे अच्छा बात ये है कि आप 1 या 2 दिन पहले आ जाओ, और हम लोगों से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो इन लोगों से कांटेक्ट करके आप 2 दिन पहले रह के भी देख सकते हो, ये कुछ बच्चे होते हैं ना कि एडमिशन कहीं पे हो गया हो बस घूमने के उससे आते हैं, तो आप आइए, हम मना नहीं कर रहे, अगर आपको यहाँ अच्छा लगे तो यहाँ पर एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी जो हॉस्टल अभी लगभग जो सेकंड ईयर में थे उनका पीजी कंप्लीट हो गया तो वो लोग छोड़ के चले गए, तो रूम खाली है, आप आइए, 1-2 दिन तो हम रख सकते हैं रूम पे, और बाकी यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस जो बहुत ही अच्छी है, आपको मतलब परेशान होना नहीं पड़ेगा, आपको अगर डॉक्यूमेंट छूट रहा है, आपको TC नहीं है, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, आपको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, तो चलेगा, टाइम दिया जाएगा, आप 3 महीने के अंदर में सबमिट कर दीजिएगा, तो ये स्वतंत्रता और अदर कैंपस में मुझे नहीं पता मिलती होगी नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत अच्छा है। ओके,
बता दीजिए सर। एक चीज़ और है, जैसे कि आप लोग वहाँ से आते हैं, यहाँ पे क्या होती है कि ऑनलाइन कोई सुविधा नहीं है, आपको काउंसलिंग के दिन आपको यहाँ आना और उपस्थिति देना अनिवार्य रहता है। जो आप मान लेते हैं टॉपर हैं, लिस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर है और आप यहाँ पे उपस्थित नहीं है तो आपका नाम नहीं लिखा जा सकता। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको यहाँ उपस्थित होना है। जो आप उपस्थित हो रहे हैं तभी आपका मान्य होगा। और अब आपका एडमिशन हो रहा है, एडमिशन रात के लगभग 7, 8, 9, 10 बजे तक चलते हैं और उसी समय आपको हॉस्टल भी मिल जाते हैं। मतलब आपका बताना वो है, आके साइन मानना पड़ता है। हाँ, साइन मानना पड़ता है। मतलब आपका जितना भी मार्क रहने दो, मतलब आपको आना पड़ेगा एडमिशन के दिन। जो लोग साइन मार के गया, इसको वेटिंग में कॉल किया जाता है। नहीं, उसी दिन हो जाता है सब। हाँ नहीं, मतलब जो लोग छोड़ देगा, 40-40 स्टूडेंट में कोई छोड़ दिया तो पीछे वाला जो जो साइन मार के गया इसको। एक चीज और है, जैसे कि आप जो यूनिवर्सिटी एक महीने के अंदर आपको कॉल कर रही है कि आप आ जाइए और एडमिशन करवा लीजिए, तब तो आपका हो जाएगा। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट में आपका एक महीने से ऊपर दिखा रहा है तो समझिए कि आपकी एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह से ये होता है कि कोई बच्चे यहाँ पे 75% उपस्थिति अनिवार्य है, और जब उपस्थिति में आपकी दिक्कत हो जाती है तो फिर आपके एडमिशन के चांस जीरो हो जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच आप इतना बोलने के लिए। धन्यवाद। ओके चलो।